करो, बंद करो। अरे सरकार की बात करो। तू खोल दे फोन, तू खोल लियो, हम नहीं लेना। अभी आपने जो वीडियो देखी और उसमें जहां पर आपको बीप बीप की आवाज आई वहां पर गाली ही थी। अब हम आपको वो गाली साफ तौर पर तो सुना नहीं सकते, लेकिन आम तौर पर आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये साहब कह क्या गए। और तो और, ये किसी और को नहीं बल्कि सरकार को गाली दे रहे हैं। ये दूसरी पार्टी के नहीं बल्कि खुद भाजपा के नेता हैं और भाजपा की सरकार को ही गाली दे रहे हैं। इनका नाम पंकज दीक्षित बताया जा रहा है, जो जिले के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुंदरलाल दीक्षित के बेटे और हैदरगढ़ नगर पंचायत की पूर्व चेयरमैन के पति हैं। सूत्रों की माने तो कई बार इनके नाम की चर्चा लड़ाई झगड़े और ऐसे ही बवाल में आ चुकी है, यानी ये कई बार विवादों में घिर चुके हैं। इस बार भी इनके चर्चा में आने की वजह इनकी मारपीट ही है। इन्होंने किसी आम आदमी को नहीं बल्कि कृषि विभाग के स्टेनो को मारा है। ये पूरा मामला हैदरगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र का बताया जा रहा है, जहां पर दो दिवसीय किसान मेला लगा है। वीडियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां एक पत्रकार पंकज दीक्षित से किसान मेले को लेकर कुछ बातें कर रहे थे। इसी दौरान वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय सुंदरलाल दीक्षित के बेटे पंकज दीक्षित से सवाल किया गया। इस पर पंकज दीक्षित ने कहा कि यहां पर जो किसान बन करके आए हैं वो असली किसान है ही नहीं, ये सभी दलाल हैं। यहां किसानों का नहीं बल्कि दलालों का लाभ हो रहा है। इसी बीच कृषि विज्ञान केंद्र पर काम करने वाले स्टेनो आलोक कुमार सिंह आ गए और उन्होंने पंकज दीक्षित को ऐसा कहने से रोका। दोनों के बीच बात हो ही रही थी कि देखते देखते ये विवाद में तब्दील हो गई। इसके बाद तैश में आकर पंकज दीक्षित ने एक कुर्सी उठाई और सीधे आलोक कुमार के सिर पर दे मारी। इसी दौरान कुछ लोग आकर इन दोनों को अलग भी करते नजर आए, लेकिन जनाब का गुस्सा इतना ज्यादा हावी हो चुका था कि इन्होंने आलोक को छोड़ा नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर गिरा कर मारना शुरू कर दिया। पूरे वीडियो में ये लड़ाई साफ साफ कैद हो गई है। बाद में पता चला कि पीड़ित आलोक कुमार सिंह माउथ कैंसर के मरीज भी हैं। इस मारपीट के दौरान पूरे मेले में काफी अफरा तफरी मची रही। वहीं बाद में आलोक ने बताया कि उनकी पीठ और पेट में बुरी तरह चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि जो वीडियो गाली देने वाला वायरल हो रहा है वो इस मारपीट के बाद का है, जिसमें पंकज दीक्षित धरने पर बैठकर इस मारपीट का खुद ही विरोध करने लग गए। बताया जा रहा है कि इस मामले पर आलोक ने तो तहरीर दी ही है, इसके अलावा बीजेपी नेता पंकज दीक्षित ने भी लिखित तहरीर देकर मुकदमा लिखने की मांग की है। एक बड़ी खबरिया वेबसाइट की माने तो बीजेपी नेता पंकज दीक्षित ने कोतवाली में तहरीर देते हुए ये कहा कि उन्हें गुस्सा आ गया था कि किस टेनो उनसे बदतमीजी कर रहे थे, और इसके आगे उन्होंने साफ लहजे में कहा कि उन्होंने आलोक को मारा है और फिर मारेंगे। इसके बाद भी अगर आलोक जैसे लोग नहीं रुके तो वो उनकी टांगे फाड़ कर फेंक देंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। अब नेता की इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये खुद को समझ क्या रहे हैं। इन्होंने मारपीट करने और टांगे फाड़ कर रखने को अपनी जिम्मेदारी समझ ली है, यानी अगर इन्हें किसी चीज से दिक्कत होगी, किसी के बयान से इनको तकलीफ होगी, तो ये पुलिस की मदद या फिर कानून की मदद नहीं लेंगे बल्कि खुद ही उससे निपटने के लिए उसको फाड़ कर फेंक देंगे। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी पंकज दीक्षित का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो एक ट्रक ड्राइवर को मार रहे थे और इसके बाद अब ये यहाँ एक कर्मचारी को पीटते नजर आ गए। अब इस मामले पर आगे क्या होगा वो तो बाद में पता चल ही जाएगा, लेकिन इस मामले ने खुद सत्ताधारी पार्टी की काफी किरकिरी कर दी है, क्योंकि एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस वाली नीति पर काम कर रही है तो दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के नेता उनकी मंशाओं पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बाराबंकी से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।